यार देखो, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी BGMI कम्युनिटी में सिंपो की तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि अपनी कम्युनिटी में कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो खुद लड़का होके भी लड़की बनते हैं और लड़की बन के ही BGMI के रैंडम से मैच करके उनसे पैसे निकलवाते हैं। सो कॉल्ड गर्ल गेमर के टैग से हैक लगाने वाली आराध्या TDM के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। आज हम बात करेंगे शिजुका विद बजूका, नारी विद आरी, सलवार में तलवार, निक्कू प्लेस दीदी। शो में आपका स्वागत है। तो ये हमारी निक्कू दीदी उर्फ भैया, जो अनफॉर्चुनेटली हमें फॉलो भी करते हैं या करती हैं, और इनके प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे तो काफी सारी एस्थेटिक आपको थंबनेल्स देखने को मिलेंगे। इनकी मी वाली हाईलाइट भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें भी फोटोज देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई यार है तो गर्ल गेमर ही। और इनकी हाईलाइट में सबसे ऊपर लिखा है कि पेड प्रमोशन अवेलेबल है और ये भी एक प्रोफेशनल TDM गर्ल गेमर है। ये जो रील्स अपलोड करती है उस पर भी 5 लाख, 2 लाख और 50,000-30,000 तो व्यूज आराम से आ ही जाते हैं। और ये वीडियोस भी कुछ इस तरीके की डालती हैं जहाँ पे बहुत ही तगड़ा इनका एम है, बहुत जबरदस्त तरीके से मारती हैं ये। साथ में ये 1v1 रॉयल पास चैलेंज के भी वीडियोस डालती हैं और ये बोलती भी हैं कि अगर किसी को भी 1v1 रॉयल पास का मैच करना है या फिर पेड मैचेस करने हैं तो वो ये करने को तैयार है। ये अक्सर ऐसी स्टोरीज भी डालती रहती है कि कोई भी अगर पेड TDM मैच के लिए इंटरेस्टेड है तो इनको DM करे। और अलग अलग ID से ये खेलती भी है और उसकी चैट्स भी डालती है कि किस तरीके से इनको पेमेंट रिसीव भी हो रही है। और ऐसे करके एक इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला जहाँ पे 500 रुपए जीती, वो भी चैट्स के साथ में ही डालती हैं, POV भी डालती हैं और फिर बार बार जितने ही मैचेस जीतती हैं ये सारे के सारे मैचेस की स्क्रीनशॉट डालती हैं। कुल मिला के इनकी पूरी प्रोफाइल को आप छानोगे तो आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि यार ये किसी लड़की का अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये फोटोज भी काफी ज्यादा ऑथेंटिक है और ये कहीं से भी पता नहीं लग रहा कि फेक प्रोफाइल है। और यहाँ तक कि जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्होंने उस टाइम पे भी एक पेड मैच का रिजल्ट डाल रखा है फिर से, जहाँ पे इनको पेमेंट रिसीव हो रखा है। बेसिकली इनका मोटिव ये दिखाना है कि पेड मैचेस ये काफी खेलती है और इनको पेमेंट भी मिलता रहता है और उसके साथ साथ POV भी अपलोड कर देती है जिससे लोगों का ट्रस्ट बना रहे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी ना बायो में एक लिंक भी है, यही निक्कू प्लेस का अकाउंट है जिसका नाम है टोक्यो इज लाइव। और इसमें अगर आप वीडियो खोल के देखोगे तो इन्हीं की वीडियो के अंदर TSF निक्कू वाली आपको ID देखने को मिलेगी और इनकी रिसेंट रील्स में भी आपको TSF निक्कू वाला ही नाम देखने को मिलेगा, यही इनकी ID है जिससे ये खेल रही है फिलहाल के लिए। और इवन इनका जो एक दिन पुराना पोस्ट है उसमें भी इन्होंने TSF निक्कू वाली ID से खेला हुआ है और इनके जो कैरेक्टर है उसकी डबल पोनी है, यानी कि डबल चोटी इन्होंने इक्विप कर रखी है। अब ये मैंने क्यों पॉइंट आउट करा ये तुम्हें एक मिनट में समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये वाली रिकॉर्डिंग सुननी है जहाँ पे TSF निक्कू वाली ही ID है और उसी ID से आपको किसकी आवाज सुनाई देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया मेरे से, अच्छी अच्छी बातें कर रहा, फिर मैंने थोड़ा मेरा बोल दिया कि यार आज तुम्हें क्या है कुछ खाने की सोच रही थी, कुछ मिल जाता मतलब पेड मैच खेल लो आप मेरे से एक। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही खिला दूंगा ना पेड मैच खेलने का। मैंने बोला नहीं मैं ना वो इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमेन हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं लेती किसी से पैसे, मैं पेड मैच खेलूंगी। बेसिकली यहाँ पे निक्कू भाई बता रहे हैं कि इन्होंने किसी रैंडम को फंसाया और उसके साथ में इन्होंने ऐसे बोला कि यार मुझे भूख लग रही है, तो उसने बोला कि यार मैं ऐसी तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, लेकिन मैंने ये बोला कि मैं तो इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी, तो इन्होंने पेड मैच खेला। उसको मैंने पेला और मैंने उसको बताया नहीं था कि कुछ ऐसे वैसे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे, तो उसने मेरे को बोला कि तुमने तो बोला ही नहीं कुछ। मैंने बोला तुम्हारा जितना तुम्हारा मन करे ना उतना डाल दे, तो उसने डाल दिए 500 रुपए मेरे, तो मेरा आज का जुगाड़ हो गया मतलब पूरा खाने पीने का। और इसने न जाने कितने सारे बंदों का ऐसी लड़की बन बन के बेवकूफ बना बना के कितना काटा होगा, कितने इसने UC ली होगी, कितने इसने रॉयल पासेस ले लिए होंगे ऐसे ही। भाई अगर यही सब चाहिए था तो खुराना इस लाइव को ही सब्सक्राइब कर देता। बंदा हर महीने चैनल पे कस्टम भी होस्ट करता है और विनर्स को RP भी देता है, डेली 2 टाइम स्ट्रीम करता है सुबह और शाम, 75 डेज तक डेली स्ट्रीम करने का चैलेंज भी ले चुका है और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ डेली फन गेम्स भी करता है और अपने चैनल पे 5,500 सब्सक्राइबर पूरे होने पे 5 Elite Plus और 10 Elite RP भी गिव अवे करेगा। बंदा वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनती है और अगर तुम भी कस्टम जीतते हो तो तुम्हारा सब्सक्राइबर होना उसके चैनल का सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों को रॉयल पास मिलेगा। तो जल्दी से जाना सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई को। अब बेसिकली यहाँ पे ये गुज्जर को ये बता रहा था TSF निक्कू, यानी कि हमारे जो निक्कू भैया है बेसिकली, वो निक्कू भैया हमारे गुज्जर भैया को बता रहे थे कि कैसे इन्होंने एक बंदे को बेवकूफ बनाया। अगर तुम्हें अभी विश्वास नहीं हुआ तो बस सुनो। जीवू तो निक्कू यार मतलब एक बार बोल कर दिखाइए क्या लड़की के बारे में। लड़की के बारे में थोड़ी बोला मैंने तो चैट करता हूँ सिर्फ।
अब बहन के लंडे चैट पे ही डाल दिया उसने। चैट पे डाल देते हैं मेरे तो। गुज्जर भाई भाई जो पोनियार दिख रहे हैं ना, ये दो जो दो चोटी है मेरी, ये मेरी आईडी में थोड़ी थी, ये भी तो मैंने ऐसे लिया था उसी सेम बंदे से। उसने मेरे से अच्छा किया था, सबसे पहले किया 1000 वाला पेड़। हाँ नूबड़ा सा ही बंदा है, उसको तो बस लड़की दिखी सुंदर से खेल लिया बहन कलंट। 1000 रुपये आए, ओहो उसके बाद मैंने, मेरे को पता लग गया कि बहन कलंट थोड़ा अमीर दादा है माधर चोर। मैंने फसाया टाका, मैंने बोला यार मेरा तो ये फेवरेट है, ये पोनी हेयर है ना, ये मेरा तो फेवरेट है और मेरे को चाहिए ये। तो उसने कुछ नहीं करा, मेरी आईडी में यूसी डाल दी 1200। भाई कितने ज्यादा। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजीएमआई कम्युनिटी में इतने बड़े बड़े सिंप भरे पड़े हैं कि वो वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं कि वो लड़की है या नहीं। वो बस लौंडा चैट में लिख दे रहा है और वो चुपचाप यूसी डाल दे रहे हैं। और दूसरा इस बंदे को देखो, ये पूरा पेज चला रहा है, फेक पेज चला के दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनसे पैसे ऐंठ रहा है और पेड मैच के नाम पे पैसे निकालता जाता है निकालता जाता है। और कितनी ऑडेसिटी से ये बात बोल रहा है लोगों के सामने, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे कोई रिकॉर्ड तो कर नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली बात है यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि यार मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा अमीर है तो मैंने टाका फंसाया। और नूबड़ा सा ही था तो और मैचेस करके और पैसे निकलवा लिए और उसने तो सीधा 1200 ही उसी डाल दी और मैंने उसी उसी की चोटी खरीद ली। और तो आज ऐसा करे इतने कर, और अब ऐसा इतने करे कर, नए नए और मुर्गे मेरे फंसे हाँ कर और मेरी में डलवा देखो दे ट्विटर आईडी पास उसे। दिया हूँ देखो। यहाँ पे मतलब गुज्जर भाई बोल रहे हैं कि एक काम किया कर, नए नए मुर्गे फंसाया कर और मेरी आईडी में यूसी डलवा दिया कर। तो इनका कितना लंबा चौड़ा रैकेट चल रहा है यार, तुम ये सोचो। ट्विटर कैसे आ रहे चलो हैं यार, हाँ क्यों एफबी के नहीं इसके। तुम यही फोटो निकू के इंस्टाग्राम की डीपी से मैच करके देख लेना, जो उसने हाइलाइट्स और स्टोरीज डाल रखी हैं उनसे भी फोटो को मैच करके देख लेना। और यहाँ पे तुम्हें टीएसएफ निकू भी देखने को मिल जाएगा और क्लैन नेम भी टीएसएफ ही है। अब तुम बस ये बात सुनना। अरे निक्कू, अब हाँ तो लड़की का भाई, फोटो हटा ले भाई। नहीं भाई ये तुम मेरे को आज पसंद है, मैं रोज सोशल उठते के मारता हूँ लड़की उसको का, देख के। तुम तो तुम लड़की का फोटो हटाने की बात कर रहा है। इसने आज ही स्कैम मार दिया उस लड़की के फोटो से, एक के साथ अरे ऑल से पकड़ के लुका दी, मेरे साथ पेड़ मैच खेलने यार, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने भी पैसे तो मैच दे दूंगा, लुका ना मैं पेड़ मैच ट्रेन खेल में लो, था, 500 रुपये डाल दिए। मैं भाई मैं तुम्हें तो लड़की की अपनी आईडी समझ गया, मेरे साथ नुबड़े आईडी नुबड़े बंदे पेड़ मैच खेलते हैं, मैं उनको पेल देता हूँ फिर। दे और फिर पैसे आ जाते हैं मेरे जेब में बैंक में, और फिर वाह मैं पार्टी कर लेता हूँ उनकी। कितना खुश है, कितना प्राउड है ना, कितना कॉन्फिडेंट है लौंडा। अब हमारे निक्कू भैया भी खुद को बचाने के लिए ये बहाना दे सकते हैं कि यार कोई भी चार बंदे लॉबी में बैठ के टीएसएफ निक्कू रख सकते हैं, अपना नाम कोई हिडन कैरेक्टर डाल के कोई भी बदनाम करने के लिए कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसकी बात पे कैसे भरोसा कर लें? तो ये अकाउंट है निक्कू प्लेस भैया का ही, और इन्होंने एक बंदे के साथ में झड़प हो गई थी तो उसको काफी सारे मैसेजेस भेजे थे, उसमें से कुछ वॉइस मैसेजेस भी थे। आइए देखिए क्या है। अभी तो चूतिया है, चूतिया रहेगा मेरे से ऊंची ऊंची मत कर भाई। बहन के लोड़े एक लगा के नहीं जीत पा रहा, एक लेजिट प्लेयर से सोच किस लेवल का गेम प्ले होगा तेरा, गू बोट है मारा चीज। मैं तो चूतिया है भाई, तेरे से मुंह चोरी करने का मतलब नहीं है कुछ, तो तेरी जान मारा जाती है। तुम आवाज भी यहाँ पे अच्छे से मैच कर सकते हो। यहाँ पे भी हमारे निक्कू भैया की ही आवाज है जो कि रिकॉर्डिंग में थी, बिल्कुल सेम है दोनों की आवाज। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे स्कैम लोगों को इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, यू आर द फर्स्ट वन हु डिजर्व रिस्पेक्ट एज अ गर्ल गेमर, आग लगा दी डियर, एम तो है 1v1, शी वाज सो लकी। और इनफैक्ट एक भाई ने यहाँ पे कमेंट भी किया था, ये लड़की नहीं है स्कैम कर रहा है, लड़का ही है कोई। लेकिन उस पे भी लोगों का ये कहना है, फिर इसकी हाइलाइट्स देख के कोई भी समझ जाए। तो भैया इस पेज को सबसे पहले तो तुम लोग अनफॉलो मारो जाके, और ऐसे स्कैम के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। कोई फेक लड़की है, कौन पीछे बैठ के खेल रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। ये लड़कियों के पीछे सिंप करके अपने पैसे लुटाना बंद करो भाई। इंटरनेट का जमाना है, बहुत आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, इस तरीके के भी स्कैम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो अपने साथ साथ अपने सारे भाइयों को भी ये वीडियो भेजो जो बीजीएमआई खेलता है, क्योंकि वो भले ही तुम्हें ना बताए लेकिन पीठ पीछे उसको भी लड़कियों से जब अटेंशन मिलती है गेम में तो उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इस वीडियो को शेयर मारो और अपने भाइयों का भी कटने से बचाओ। और तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।